सुनो मेरी मैया हो। ये भाव कितना सुंदर है। तीनों देवता बोले, तब है तब बोले तीनों देवता, अरे सुनो मेरी मैया हो। अरे मैया हमारे क्षुधा बड़ी भारी, भोजन करवाओ हो। बड़ी भारी भोजन करवाओ हो। तीनों देवता कहने लगे, मैया सुनो सुनो हो मेरी मैया सुनो, महातारी हो। अरे मैया हमरे भूख अति लागी, अरे भोजन कर बाबो हो। मैया हमरे भूख अति लागी, भोजन कर बाबो हो। तीनों देवताओं ने कि मैया हमको भूख लगी है, भोजन कराओ। माता अनुसुईया ने कहा, महाराज ये तो बहुत ही बड़े पुण्य की बात है, धर्म की बात है, हम भोजन कराएं। बैठो महाराज, मैं जा रही हूं, अभी भोजन तैयार करती हूं। जैसे मैया अनुसुईया अंदर बढ़ने लगी, तीनों देवताओं ने कहा, ए माताजी। हाँ हाँ, बोले सुनो, भोजन तो तुमने कह दिया, लेकिन हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। ऐसे भोजन नहीं करोगे, कैसे भोजन करोगे? तीनों देवताओं ने कहा, मैया तब है ता बोले तीनों देवता हो रामा। तीनों देवताओं ने कहा, मैया अरे मैया छोरी उतरी हो तुम कपड़ा, अगर तुम्हें भोजन कराना है एक काम करना होगा। अरे मैया छोरी उतरी हो तुम कपड़ा, नगन हुई जई हो। मैया छोरी उतरी हो तुम कपड़ा, नगन हुई जई हो। अब तो माता अनुसुईया ने सोचा, हुई सकती बाबा है कावलुंग चिलम वाले बाबा होए, नसम होए, तब है ऐसी बात कही दी। इनकन ठीक 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 ठीक, आप टेंशन ना ले, सोचे भाई नशा सा दूर हो जी, तब ये थोड़ा ना बाबा लोग कही है। माता अनुसुईया गई, भोजन बनाया। अब भोजन बना के जैसे थाल लेकर के आई, तीनों देवता बोले, अलग बम मैं चला। क्यों महाराज? तीनों देवताओं ने कहा, मैंने तुमसे कहा था अगर तुमको भोजन कराना है तो तुमको नगन होना पड़ेगा, और नगन हो करके जब भोजन कराओगी तो मैं भोजन करूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूं। अब तो मैया अनुसुईया चक्कर में पड़ गई। मैया अनुसुईया ने सोचा, अगर अतिथि द्वारे से विमुख चला जाएगा तो हमारा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। माताओं बहनों याद रखना, अतिथि देवो भव होता है। मैया अनुसुईया ने विचार किया कि अगर संत हमारे दरवाजे से विमुख चले गए तो हमारा गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैंने अपने कपड़े उतार दिए तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मैया अनुसुईया दबड़े चक्कर में पड़ गई, मन में सोचा हम क्या करें। उसी समय मैया अनुसुईया ने, अरे उसी समय फिर माँ तूने और किया पति का ध्यान। उसी समय फिर माँ तूने और किया पति का ध्यान, और कैसे ये बाबा सुनो आया उनको ध्यान।
जब संकट में पड़ गई, मन में सोचा अब क्या करें, उसी समय मैया अनसुईया ने अपने पति अत्रि महाराज का ध्यान किया। और जैसे ही अपने पति अत्रि महाराज का ध्यान किया, क्या देख रही हैं? अरे ये कोई साधारण बाबा नहीं है, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारी परीक्षा लेने आए हैं। अच्छा ठीक है, उसी समय मैया अनसुईया ने अपने हाथों में जल लिया और अपने पति परमेश्वर का ध्यान किया। ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः। जो मेरे मन बच कर्म में जो एक पति हो, तो बाबा बालक बनई और छे छे महीने की हो। माता अनसुईया ने हाथों में जल लिया, अपने पति का ध्यान किया। हे पति परमेश्वर, अगर हम में थोड़ा भी आपके प्रति सेवा हो तो ये बाबा तीन और छे छे महीने की लड़का बन जाए। और इतना कह के जैसे जल का छींटा लगाया, मेरे भाई माता बहनों, छे छे महीनवा के ललना, अरे बन गती नौ बाबा हो। अब तो माता अनसुईया ने जैसे जल का छींटा लगाया, तीनों बाबा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश छे छे महीने के बालक बन गए। जब बालक बन गए, माता अनसुईया बड़ी खुश हुई। क्या किया माता अनसुईया ने? पालना डाल दिया, हो रामा पलनामा, अरे बिलखई भगवान, भगवान विष्णु पलनाम सो रहे। हो रामा पलनामा बिलखई भगवान, और अंगनवा में रोवे शंकर हो रामा। अब तो जब छह छह महीने के बालक बन गए, माता अनसुईया ने पलना डाल दिया। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, मेरे भैया। और ये बहुत सुंदर शुभ घड़ी है, भगवान राम जी आए, भगवान कन्हैया आए, अलग अलग आए, और आज आपके इस नगर में ब्रह्मा विष्णु महेश जो छह छह महीने के बालक हुए हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं जो इन तीनों देवताओं के इस बालकपन में न्यौछावर करेंगे मैया अनसुईया के दरबार में, उनकी मन की मुराद पूरी होगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि एक अकेले नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, रिद्धि सिद्धि सर्व संपन्न, सारे सुख प्राप्त होंगे। इसलिए जिसकी श्रद्धा हो वो न्यौछावर कर सकते हैं। सबसे पहले परीक्षित जी, तुम हेलो परीक्षित जी, तुम्हारी जो भी श्रद्धा हो। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश छह छह महीने के बालक बने हैं, जो भी श्रद्धा हो न्यौछावर करिए, उसके बाद में जिसकी भी इच्छा हो। और मैं चाहूंगा कमेटी के जितने भैया लोग हैं, जो जिनके नाम बोले गए थे कमेटी के, तो खाली मोले में नाम नहीं बुलवाइएगा, अब यहाँ आकर के न्यौछावर में नाम बुलवाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूली रहे तीनों देव बन करके डालना। इतनी कंजूसी ठीक नहीं होती। हाँ, मैं चाहूंगा कमेटी के जितने भैया लोग हैं, जिन लोगों के नाम लिखवाए थे कमेटी में, अगर कोई न कर सके तो कमेटी वाले या कमेटी वाली हो तो कम से कम नाम अपना रोशन करें। अरे हमारे कल्लू भैया, धन्यवाद है, बड़े मेहनती हैं कल्लू भैया, ये भी कमेटी के सदस्य हैं।
जिनकी तरफ से भी ये 21 मुद्रा न्यौछावर में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ए मैया जे मावई हो, बढ़िया खीरी लाई, ब्रह्मा की मुहमा ठोक खाई लो, ले खाओ, भोले बाबा तुम खाओ, अब कोई का खाए। हो रामा टुकुरु टुकुरु ताके ब्रह्मा, अरे मुकुर मुकुर शंकर हो रामा, टुकुर टुकुर ताके ब्रह्मा, ए मुकुर मुकुर शंकर हो। अरे रामा पलना में, रामा पलना में बिलके भगवान अंगनवा में झूलई हो, मेरे प्यारे भाई माताओं बहनों। अब तो मैया अनुसुईया के घर में बधाई बजने लगी, तीन तीन बालक आ गए, बधाई बजना प्रारंभ हुई। एक दो लाइन का सोहर होगा और जिसको न्यौछावर करना हो कर दो, फिर कथा बहुत जल्दी हम पूरी करेंगे, क्योंकि जो भगवान के अवतार में ब्रह्मा विष्णु के अवतार है, समझो पुनर्जन्म हो रहा है। कहां बड़े बड़े थे, छोटे छोटे हो गए, जो न्यौछावर करते हैं और करती हैं उनके मन की मुराद पूरी होती है।